नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज भारतीय इतिहास के का एक जो तीसरा यूनिट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक घटना हुई थी 1857 की घटना। तो आज मैं 1857 की घटना चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ, चूँकि मैं 1857 की घटना आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा कि 1857 की क्रांति से लेकर के जितने भी सवाल बन सकते हैं या किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको करवा दिया जाए, ताकि चूँकि आप पढ़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप में एक जो है हौसला अफजाई होगी आपकी। तो देखते हैं 1857 की क्रांति से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और दूसरे अन्य प्रदेशों में भी कौन कौन से क्वेश्चन 1857 की क्रांति से आए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ हुई थी। कहने का मतलब ये है इसका कि मंगल पांडे की घटना जो है वो कहाँ हुई थी। मेरठ में हुई थी या बैरकपुर में हुई थी या अम्बाला में हुई थी या लखनऊ में हुई थी। तो मैं आपको 1857 की घटना बता चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ कि बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे, बैरकपुर से ही, छावनी से जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर में हुई थी। इसका आंसर भी आंसर नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बैरकपुर। थोड़ा सा इसका वो भी दिया है डिस्क्रिप्शन, देखिए 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर दी और हत्या कर दी। जो उस सैनिक का कर्नल जनरल था उसको मार डाला। तो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरठ से प्रारंभ हुई। मेरठ के जो पैदल सैनिक थे, जो पैदल छावनी थी, वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। तो दिल्ली पर उन्होंने धावा बोल दिया और वहाँ कब्जा कर लिया अंग्रेजी सैनिकों को मारकर। ये PCS में दो बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है PCS में भी पूछा गया है और अब ये वनडे में पूछा जा रहा है। तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है ये, जो जूनियर सुपरटेट या प्राइमरी सुपरटेट दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में 1857 के क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। तो आप सभी लोग जानते हैं पहली घटना क्या थी, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर जाकर कब्जा कर लिया था लाल किले पर। तो ये पहली घटना थी, हमने आपको बताया था, पढ़ाया है हमने, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। हमने आपको बताया था कमल और रोटी था, कमल और रोटी पढ़ाते समय हमने जब क्लास पढ़ाया था आपको तो बताया था कमल और रोटी था स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर पुनः अधिकृत मतलब अधिकार कर लिया। तो आप लोग जानते हैं कि निकल्सन जो था, निकल्सन को तो मार डाला था, तो हडसन के नेतृत्व में, हडसन के नेतृत्व में जो है दिल्ली सेना गई नेतृत्व में और फिर विद्रोहियों को दबा दिया। सबसे पहले दिल्ली को ही कब्जा कर लिया था अंग्रेजी सेना ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न ये है कि 1857 का जो स्वाधीनता संघर्ष था, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पूछ रहा है कि कहाँ है। ये यूपी PCS में आ चुका है, प्री में 2008 में, अब ये वनडे में पूछा जाता है। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी थी। तो आपको हमने पढ़ाया भी है और आपको शायद याद भी होगा कि वाराणसी थी, ये वाराणसी की है जन्मस्थली, इनकी वाराणसी है महारानी लक्ष्मीबाई की। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम मणिकर्णिका था, एक मूवी भी बनी थी मणिकर्णिका के नाम से, मैंने तो देखी, मैं गया था देखने, बहुत अच्छी मूवी थी। उस मूवी को आप जब देख लेंगे
तो आपका कुछ क्वेश्चन तैयार हो सकता है। इस मूवी जो भी बनती है, जो ऐतिहासिक मूवी होती है, उनमें से आप उनमें से बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाती हैं, जानकारी मिल जाती है। जन्म कब हुआ था इनका? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। तो अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता, तो हमने आपको बताया था पढ़ाते समय, पूरी लिस्ट दी थी आपको, खान बहादुर। खान बहादुर जो थे वो बरेली में विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी, मतलब नेतृत्व किया था। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इनमें से कोई दिलचस्पी इसमें नहीं ली, क्योंकि ये ब्रिटिश के जो है पेंशन पर ही गुजर बसर कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शुरू में जो कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। खैर, ये खान बहादुर के बारे में हो गया। तो अगला प्रश्न देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि महारानी लक्ष्मी जब दूसरी वहाँ से जो है ग्वालियर आई, तो ग्वालियर भी चला गया था। कौन? जो हीरोज था वो ग्वालियर भी चला आया पीछे से, हमने आपको पढ़ाया है। तो ग्वालियर में ही ये लड़ाई करती हुई शहीद हो गई थी, मरी गई थी। तो इनका जो मकबरा है या इनकी समाधि है वो ग्वालियर में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एमपी पीसीएस में, यूपी पीसीएस में तो आता ही आता है, अन्य प्रदेशों के भी पीसीएस में ये पूछा जाता है, और पीसीएस एक बड़ा एग्ज़ाम है, और अब तो ये छोटे एग्ज़ामों में जो है पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? तो हमने आपको बताया है कि हीरोज से अंतिम युद्ध में उन्होंने सामना किया था ग्वालियर में, हीरोज से। आप सभी लोग जानते हैं हीरोज से ही लड़ाई करती हुई वो मारी गई थी। तो इस जो है प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो आप सभी लोग जानते हैं बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। इन्होंने ब्रिजिश कादिर को नवाब बनाया था वहाँ का, ठीक है। इनका जो बेटा था, बेटा क्या था, ये जो है गोद लिया हुआ बेटा था बेगम हजरत महल का, तो नेतृत्व इन्होंने ही किया था बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो अगले प्रश्न की बात अगर हम करें, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, अवध में, अवध लखनऊ में ही है, तो लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। फैजाबाद में तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, क्योंकि वो महिला थे नहीं इसलिए उनको यहाँ रखा नहीं जाएगा, महिला पूछ रहा है ये ना। तो महिला अवध में इन्होंने ही किया था, बेगम हजरत महल ने, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। देखिए कितने जगह पूछा गया है ये सब सवाल, जो आप पढ़ चुके हैं आपको याद होगा। तो अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया है, जीनत महल, कि आप भूल करके जीनत महल लगा दें, लेकिन जीनत महल नहीं है, बेगम हजरत महल है। नाना साहब ने किया था कानपुर से, ठीक है, और तात्या टोपे नाना साहब के साथ ही था, दोनों लोगों ने कानपुर से ही किया था। ये पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है, अब ये वनडे में पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो आप सभी लोग जानते थे, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि मौलवी लियाकत अली
मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। पीसीएस 2015 में ये भी पूछा गया है, तो इसका थोड़ा सा देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। मैंने आपको बताया था कहाँ का विद्रोह किसने दबाया था। तो अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर थी? बंगाल में थी, अवध से थी, या बिहार से थी, या राजस्थान से थी? तो चूंकि अवध बड़ा राज्य है, अवध में संघर्ष में भाग लेने वाले लखनऊ में भी थे, कानपुर में भी थे, और फैजाबाद में भी थे। तो जो अवध में सिपाहियों की संख्या थी, जो विद्रोह के संघर्ष में भाग ले रहे थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी अवध में। तो आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने सैनिक थे यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ, लगभग 75,000 सैनिक थे जो विद्रोह में जिन्होंने भाग लिया था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले पेज पे है अगला प्रश्न, अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अगले पेज पे कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आप सभी लोग जानते हैं नाना साहब ने तात्या टोपे को लड़ने के लिए रखा हुआ था। किसको? तात्या टोपे को, ठीक है, तात्या टोपे को लड़ने के लिए रखा हुआ था नाना साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ मतलब तात्या टोपे से बहुत ज़्यादा सहायता मिली। तात्या टोपे को उन्होंने लड़ने के लिए रखा था। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है नाना साहब के सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे ये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे थे, तात्या टोपे इनको मार दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। नाना साहब तो चले गए थे नेपाल, लेकिन तात्या टोपे फंस गए थे बेचारे, इन्हें इनके मित्र ने धोखा दे दिया और ये जो तात्या टोपे हैं ये फंस गए, इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और साथ ही साथ पकड़ करके इनको फांसी दे दी। डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन है। तात्या टोपे 1814 से 1859 रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाने जाते थे। हम बताए थे, पढ़ा रहे थे जब क्लास में आपको, कि रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे ये, कानपुर से। इनका जन्म महाराष्ट्र में येवला गांव में हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदूपंत, जो नाना साहब थे उनका धोंदूपंत नाम था, हमने बताया था पढ़ाते समय, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता को पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगत को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। किसको? तात्या टोपे को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जो है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये अभी अभी आपने देखा कि तात्या टोपे का नाम था, तात्या टोपे का नाम था। ये देखिए,
यूपी यूडीए एलडीए में प्री में पूछा गया है 2010 में और यूपी पीसीएस प्री में 2011 में पूछा गया है। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह, हमने आपको बताया था क्लास में कि कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? बिहार जगदीशपुर के। वही पूछा गया है यहाँ कि 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे कुंवर सिंह, वो निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार जगदीशपुर बिहार, आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिहार का सिंह इन्हें माना जाता था, बिहार का सिंह। कई बार इन्होंने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए बचाया था, बहुत बहादुर थे। चूंकि ये भी बहुत ज़यीफ थे, 74 या 78 साल के ये भी थे, बूढ़े हो चुके थे, शायद 80 वर्ष के थे, ये लिखा हुआ है 80 वर्ष के थे। और बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे, इनसे भी 2 साल बड़े थे। लेकिन ये बहादुर थे जो कुंवर सिंह थे, इन्होंने कई बार अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र से हरा कर भगाया था। तो अगला प्रश्न है, अच्छा इनकी जब मृत्यु हो गई कुंवर सिंह की 26 अप्रैल 1858 को, तो इनकी मृत्यु के बाद जो है अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया, जीत लिया। भले ही इनके मृत्यु के बाद इनके जो है इनके भाई जो अमर सिंह थे इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी चूंकि ज़्यादा सैनिक थे अंग्रेजों के, जीत लिया। 1857 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था इन्होंने। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है दूसरे रूप में, तो इसका भी उत्तर वही होगा, क्या? बाबू कुंवर सिंह। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे अगला सवाल है कि जो कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, वो किस प्रांत से थे? तो आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा है कि बिहार से थे ये, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बिहार पीसीएस में पूछा गया 2001 में। फिर अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, अब की बार तो 2 बार पूछा गया। देखिए बीपीएस प्री 1997, फिर 48वीं और 52वीं परीक्षा बीपीएस यानी कि बिहार पीसीएस में 2008 में फिर पूछा गया। तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आप सभी लोग जानते हैं बाबू कुंवर सिंह, फिर बीपीएससी में फिर पूछा गया। फिर अगला है कि जगदीशपुर के राजा थे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। कई रूपों में प्रश्न पूछा जाता है, कई तरह से पूछा जाता है कि आपको भ्रमित हो जाए, आपको भ्रमित करने के लिए वो बार बार अदर अदर रूपों में क्वेश्चन को पूछता है। पटना के 1857 के संग्राम का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 का नेतृत्व कर रहा था? असम में, तो असम में जो है आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो दीवान मनीराम दत्त है, ये असम में नेतृत्व कर रहे थे असम में विद्रोहियों का। इनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो हम आपको बताते हैं। डिस्क्रिप्शन ये है, देखिए, डिस्क्रिप्शन है कि असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, विद्रोह का दमन जो है अंग्रेजों ने बहुत क्रूरतापूर्ण किया था, क्रूरतापूर्ण, जैसे इलाहाबाद में बहुत क्रूर ढंग से विद्रोह का दमन किया, असम में भी ठीक उसी तरह से विद्रोह का दमन किया। अब इन लोगों के पास ना कोई साज था, ना कोई सामान था, ना बंदूकें थी, ना तोप था, ना गोला था, लेकिन उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास काफ़ी हथियार थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। एकता भी नहीं थी 1857 के विद्रोह में, एकता भी नहीं थी इसलिए, और उनका उद्देश्य भी अलग अलग था। खैर अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था, बिहार में केंद्र कौन था ये पूछ रहा है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जगदीशपुर, जगदीशपुर बिहार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें, बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, वहाँ जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीज़न कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया था, विलियम टेलर द्वारा दबाया गया गया। ये बाबू कुंवर सिंह का जो है मृत्यु हो गई थी इनकी, और इनके मृत्यु के बाद अमर सिंह ने संभाला था कमान, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक लड़े तो, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, अंग्रेजों ने उनको दबा दिया, विलियम टेलर ने और विसेंट आयर ने। तो अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना थी तो उसको पराजित करने वाला कौन था। तो तात्या टोपे तो थे नहीं, महाराज राम सिंह भी नहीं थे, टोंक के नवाब वजीर खां भी नहीं थे, कौन था। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, हम आप पढ़ रहे हैं। देखिए, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। कुंवर किसने, ठाकुर कुशल सिंह ने। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ये पूछा गया है RAS RTS प्री 1993 में ये पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में, तो बिल्कुल पक्का है आ सकता है। कई प्रश्न ऐसे हैं PCS के जो वनडे एग्जाम में बिल्कुल आने की ताकत रखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। राजस्थान में ये नहीं था, देख लीजिए, नहीं था, नहीं आप लोग भूलिए नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है अंतिम में छोटा सा, गलत कर देंगे तुरंत। तो राजस्थान में पूछ रहा है कौन सा केंद्र नहीं था, तो अजमेर भी था, नीमच भी था, आउवा भी था, क्योंकि ये जो थे ठाकुर कुशल सिंह वो आउवा के ही थे, राजस्थान में है। जयपुर नहीं था, जयपुर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में से ये डिस्क्रिप्शन है, 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल क्रांतिकारी के संबंधित स्थल थे, जैसे अजमेर हुआ, नीमच हुआ और आउवा हुआ, ये क्रांतिकारी स्थल थे, लेकिन जयपुर नहीं था। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, या रामप्रसाद बिस्मिल ने किया, या शहादत खान ने किया, या माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद तो थे ही नहीं उस समय, इन्होंने किया ही नहीं था। रामप्रसाद बिस्मिल ने भी नहीं किया था, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी नहीं किया था। माखनलाल चतुर्वेदी का कोई नाम ही नहीं है वहाँ पर। शहादत खान यही थे जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। चार नाम दे देता है और पूछ लेता है कि कौन नहीं था या कौन था। अगर यहाँ हो जाता कि संघर्ष में कौन नहीं था, तो ये जो चारों नाम है ये चेंज कर देता, दूसरा दे देता, आपको पहचानना होता कि कौन था या कौन नहीं था। ये मध्य प्रदेश के PCS में पूछा गया है, डिस्क्रिप्शन छोटा सा है कि 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो अब देखने को तो 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने आपको आज करवाए हैं, बाकी हम कल आपको करवाएंगे, फिर 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करवाएंगे। तो कुछ आज करवा दिए और कुछ कल में करवाएंगे, उसके बाद हम आपको जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक ही वही चल रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ाया, इसके बाद जो है धीरे धीरे सबको पढ़ाएंगे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, चाहे
आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो हों चाहे वो स्वामी दयानंद हों, स्वामी विवेकानंद हों, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। राजा राम मोहन राय से शुरुआत की है हमने, वही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक माने जाते हैं, इसलिए वहीं से शुरुआत की हमने। खैर, जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने आज करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को हम कल करवाएंगे। तो आप सभी लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखें साथियों, और जिनकी भी परीक्षाएँ हैं, आगामी परीक्षाएँ हैं जिनकी भी, चाहे वो प्राइमरी टेट हों, सुपर टेट, चाहे वो जूनियर सुपर टेट हों, चाहे वो GIC के हों, और चाहे कोई वन डे एग्ज़ाम हो, UPSI हो, SSC का हो, UP SSSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में GS पूछा जाता है। और GS से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको ऐसे ही डेली डेली करवाते रहेंगे। और मैं आप लोगों से एक सुझाव भी चाहता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट करके ये सुझाव दें कि हमें और कौन से सब्जेक्ट इसमें ऐड कर देने चाहिए, पॉलिटी ऐड कर देने चाहिए। और मेरे ख्याल से, मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताता हूँ, पॉलिटी ऐड करना चाहिए और करंट अफेयर्स ऐड करना चाहिए। तो इन दोनों के अलावा और हम किस चीज़ को पढ़ाएं, कौन से टॉपिक को पढ़ाएं जिससे आप लोगों की सहमति हो, तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ हमारा चैनल भी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।